अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल मी मोमेंट फैमिली। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज जो मैं आपको स्टोर लेके आई हूँ उसका नाम है कैंडीलिशियस। ये सिंगापुर में भी है लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे भी है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था स्टोर, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स आपको पता है ना, हम लोगों ने ऐसा बच्चों को गिफ्ट देना होता है जिससे वो हैप्पी हो जाएं। तो मैंने कहा चलें, अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी आपको पसंद आएगा और अगर आप किड्स हैं तो आपको तब भी पसंद आएगा, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट का लार्जेस्ट कैंडी स्टोर है और इनके पास 5,500 से अबव कैंडीज की वेराइटी आप देख सकते हैं। जेलीज, डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स में लॉलीपॉप्स, स्नैक्स, बीकॉन्स, फिर बहुत सी शेप में इनके पास कैंडीज हैं। कह लें ओल्ड फैशन से लेके लेटेस्ट बेस्ट चीज़ क्या है, ये देखें। इनके पास गिफ्ट पैक्स भी हैं, कार्टून कैरेक्टर भी हैं, जैसे कुछ उन्होंने पैकिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में पैक किया हुआ था, साइज में, कंटेनर में, पेपर बैग में। और बेस्ट चीज़ के क्या है इनके स्टोर के बारे में कि नट्स की भी होती हैं, आपको पता हर जगह ही होती हैं, पॉपकॉर्नस भी हैं, ये भी शुगर फ्री भी हैं और इसके साथ साथ इनके पास ऑर्गेनिक कैंडीज भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये देखें बच्चों के लिए कार्टून बैग वाले कैरेक्टर के साथ कैंडीज थी, फिर शॉर्ट ब्रेड्स थी, ट्रफल्स थे, फिर आपको पता है जैसे डार्क चॉकलेट, फिर रेगुलर चॉकलेट, फिर ये आमंड के साथ, डिफरेंट रेजन्स के साथ, मतलब अच्छी खासी इनके पास वैरायटी थी, लेटेस्ट और ओल्ड फैशन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। लॉलीपॉप्स थे, हलाल कैंडीज थी, हलाल जेलीज थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता है बच्चों को कितनी पसंद होती हैं, तो मैंने कहा आपके बच्चे बहुत हैप्पी होंगे। बेस्ट चीज़ इस सेक्शन के बारे में क्या थी कि ये जो कैंडीज थी इनके ऊपर इम्बोज डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेज हुए हुए थे, जैसे आई लव यू मामा, आई लव यू पापा। तो ये अच्छे लगते हैं, आपको पता है डिफरेंट ओकेजन और डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से बड़ी अच्छी लगती हैं ये। जैसे चांदनी जो है टायर्ड थी, लेकिन जैसे उसने ये स्टोर देखा इतनी हैप्पी होगी, मामा दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है ना, आप हैप्पी हो गई। तो मैंने कहा जब चांदनी हैप्पी हुई है तो आपके बच्चे भी खुश होंगे, तो अगर आप इधर जाएं तो ज़रूर इस स्टोर पे जाइएगा। फिर इसके अलावा ये दुबई की गिफ्ट शॉप है जो कि मेरी फेवरेट है, अभी मैं रीज़न आपको बाद में बताऊँगी क्यों है, मैं ज़रूर आती हूँ, हर दफ़ा आती हूँ यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये देखिए, ये तो डेकोरेशन पीसीस तो आपने देखी होंगे लेकिन मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह से, बरकतों वाला महीना, तो हम लोग जब भी अपने घर की डेकोरेशन करते हैं तो ऐसे जो इस तरह के स्टाइल की चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं साइड टेबल पे और जो सेंटर टेबल होता है उस पर। तो मैंने कहा आपको भी आइडिया मिल जाएगा और यह कि नेक्स्ट टाइम या पहले भी मैं भी आपने शॉपिंग की हो यहाँ से, लेकिन यह कि थोड़ा सा एक इनोवेशन सी मिल जाती है, आइडिया सा मिल जाता है कि चलो हमने किस तरह से चीज़ों को कह लें स्टाइल देना है, या हमने कि बाजू का होता भी है माइंड में लेकिन ये है कि आता नहीं है, कोई दूसरा बताए तो फिर क्लिक करता है माइंड में, हाँ भाई हम भी ऐसा कर लेते। तो मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ों में वैरायटी देने से या चेंज देने से चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं, तो आपके साथ ये आइडिया शेयर करती हूँ। इसके अलावा हर कल्चर की आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है या उनका एक वे होता है, तो ये जो है ना इनकी शॉल्स और इनकी एम्ब्रॉयडर्ड जो है गाउन वो लगे हुए थे, वो भी मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। बेसिकली मैं इधर आई थी ये इसकी वजह से, ये बहूर की वजह से और ऊँट की वजह से। इनकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है, आप घर में इसको जलाओ या तो इलेक्ट्रिक बर्नर पे भी कर सकते हो या रेगुलर पे भी, चारकोल बर्नर पे भी लोग इसको स्मोक करते हैं और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक बर्नर पे भी करते हैं, अमेजोन से इजीली मिल जाता है। तो ये एक अलग सी स्मेल आती है, आप सऊदीया जाते होगे या दुबई जाते होगे तो आपको बड़ी एक अच्छी सी स्मेल आती होगी, तो वो ऊद और बहूर की होती है। ये मेरा फेवरेट है, मैं तो ज़रूर यहाँ से बाई करती हूँ। और इसके अलावा अगर आपने पाकिस्तान से करना हो तो सईद गनीज पे भी अवेलेबल होता है, लास्ट टाइम हमने किया था लास्ट ईयर जब मैं कराची गई थी तो हमने बाय किया था वहाँ से, लेकिन मैं दुबई से करती हूँ, मुझे यहाँ का पसंद है क्योंकि ओरिजिनल होता है। तो ये कि थोड़ा सा डालना होता है, आप चारकोल पे अगर डालो तो उस पर भी थोड़ा सा, और अगर क्योंकि इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है स्मेल कि ज़्यादा नहीं डलता, थोड़े से ऑन करो तो बहुत अच्छी खासी स्मेल आपके घर में या आपके कपड़ों से आने लगती है। तो इसके अलावा मैं कार्तियर की ये
स्टोर आई थी, कार्टियर एक ब्रांड है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे वो भी देख लेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है मैं हर वो चीज़ शेयर करूँ अपने चैनल पे जो कि मुझे पता हो, या ये कि आप पहले ना जानते हो, आपके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, आपको चीज़ें दिखानी, आपको आइडियाज़ देने मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ, ये कार्टियर है काफ़ी फेमस ब्रांड है और इनकी लव ब्रेसलेट बेसिकली बहुत फेमस है और आइकॉनिक है, तो वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इनकी वॉचेस मैन के लिए, वुमेन के लिए, और डिफरेंट डायल्स के साथ, स्ट्रैप्स के साथ, चाहे प्लैटिनम की बात करें, गोल्ड की बात करें, या ऑनिक्स की बात करें, हर किस्म की इनके पास वेराइटी है वॉचेस में। और ये बैंड्स देखें, ब्रेसलेट्स देखें, फिर नेकलेस देखें, वेडिंग बैंड्स सारे इनके पास मौजूद हैं। 750 ऊपर लिखा होता है, 750 क्या है कि 18 कैरेट के, ये लव ब्रेसलेट है और ये की के साथ आती है। लास्ट आई थिंक सो 2 years अगो हमने मुझे ये गिफ्ट की थी, तो मैं लेकिन इसको हाँ सा मौकों पर पहनती इसलिए कि इस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर वो डर्टी सी लगती है। तो इसके अलावा इनका जो अक्सर एनिमल आपको दिखेगा इनकी ज्वेलरी पे, वो पैंथर है। तो जब भी मैं इस लेडी से सारी चीज़ों की प्राइसेस पूछती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ऐसे ऑब्वियसली जब 18 कैरेट की भी कोई चीज़ होगी तो 3000 से तकरीबन इनकी चीज़ें अबाव ही होती हैं। तो वो तो डिपेंड करता है आपको किस रेंज में पसंद आती है, कैसी पसंद आती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेते हो। लेकिन ये है कि वेराइटी आप देखें इनके पास, हैंड बैग, शोल्डर बैग, एसेसरीज की, परफ्यूम्स की, क्लोथिंग में भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे इनकी ज़्यादा ज्वेलरी का, वॉचिस का, हैंड बैग्स का आइडिया। तो लेट्स सी कि क्या क्या इनके पास किस रेंज में है। अभी वो लेडी से मैं पूछती हूँ, आपको बताएगी, आपको आइडिया हो जाएगा। It's 5,528. 5,528. ये ब्रेसलेट्स हैं, ये डिज़ाइन अच्छा लगता मुझे। कैन यू टेल मी देयर प्राइसेस, हाउ मच इज दिस वन? दिस वन इज 188,000 दिहार्स। ओके, 188,000। या 188,000। ओके, एंड दिस वन? This one? Yes. 25,000 dirhams. Okay, 25,000. Yeah. Okay. In USD or in? In dirham. Local. In real? Dirham. Local. Dirham. Okay, okay. But tell me the price in USD dollar. USD dollar. Yes. Okay. This one is 6,945. Okay, because my husband has given me on my birthday. So I did not have idea. For that one, just now you asking, it's 52,222 US dollars. 52,000. And this one is 6,000. Yeah, almost 7,000. Okay, and what about this one? The, which one? The demo? The first one, the first, very first one. This one? No, very this first one, yes. Range Santos, yeah, we call them Santos. Yeah. So what is the range of Santos? The range? Yes, like how much are these and how much are those? This one is 9,500. And what about the other one that comes in the silver dial and the golden dial? This one, like any one that doesn't has diamond. These are $2,000. Okay, no, the other one. The handbags, 2,000, and the wallet. Which wallet? What? Anyone? Black one and the maroon one, both.
The wallet is 541. Yeah. 2000, their bag price, and about that. This, the black. Are these decoration pieces? This is gift. This is what? Yeah, it's also for signing. This okay. is 3,100 for the bag. 3,100. Yeah. And what about these one, the rings? Yeah, which one rings? Rings. This is it tiger or? This is a panther. Panther. This is panther. Yes, ma'am. Which one you want to check? And this one. मुझे इनके सैंडविचेस लग रहे हैं, बेसिल सैंडविच है, टोमेटो चीज, क्रोसांट्स हैं, पैशन फ्रूट एक्लेयर है, चॉकलेट ब्राउनी है, चिकन बिरयानी भी है भाई, चिकन बिरयानी भी है, बीफ पाई भी है, बनाना ये भी है, चिकन रोस्ट पम्पकिन पिज्जा पिज्जा भी है, रैप्स भी है. स्मोक सैमन बेगल्स हैं, ये वीगन है, रैप्स चिकन एवोकाडो है, मज़े के सही मेल्टेड टोस्ट है, ये टूना चानी बर्गर. You want burger or what do you want? You want अगर आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी उठा कर तो किया आप भी.